आदि रांची में रांची विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह का आज आगाज हो रहा है। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दीक्षांत समारोह हमेशा से एक ऐसा ही विशेष अवसर होता है जिसमें हम शुरू के वर्षों से कड़ी मेहनत करते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति व सफलता की प्राप्ति से अपने छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता, शिक्षक गण, विश्वविद्यालय के कर्मचारी गण सबको जुड़ते हुए देखते हैं। और ये जुड़ाव, ये असेंबली आज इस दीक्षांत मंडप में एकत्रित है। मैं फिर से अपने प्यारे छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने लाइन में रहे और अपने गेट पास पर दिए गए नंबर पे अपने स्थान को ग्रहण करें। जो बाहर छात्र छात्राएं गेट पर हैं दीक्षांत मंडप के या डीन ऑफिस के सामने हैं, वो भी कृपा करके अंदर दीक्षांत मंडप में आए और अपने स्थान को ग्रहण करें। एक ऐसी यात्रा जो शायद अस्थाई कदमों के साथ शुरू होती है और हमें ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाती है। ईयर्स ऑफ हार्ड एफर्ट, गाइडेंस बाय गुरु, फैकल्टी मेंबर्स, ऑफिशियल्स, स्टाफ्स, राइट फ्रॉम लैब टेक्नीशियन टू एवरी स्टाफ ऑफ अ यूनिवर्सिटी helps you in achieving this grandeur, this degree today. मैं आग्रह करना चाहूंगी अधिसद, अभिसद और विद्युत परिषद के माननीय सदस्यगण दीक्षांत समारोह के लिए दीक्षांत मंडप के मुख्य द्वार पर 10:55 पूर्वाहन में एकत्र होंगे, जहां शैक्षणिक परिधान 11 पूर्वाहन तक उपलब्ध होंगे। सभी माननीय सदस्य मुख्य द्वार के दाएं स्थित गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे। अधिसद, अभिसद, विद्युत परिषद के सदस्य 11:20 पे दीक्षांत मंडप के सामने 2 की पंक्तियों में शैक्षणिक शोभा यात्रा के लिए खड़े होंगे। दीक्षांत समारोह स्थल के मुख्य द्वार पर करीबन 11:30 पूर्वाहन माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति झारखंड के आगमन होने पर कुलपति, कुल सचिव उनका स्वागत करेंगे। कुल सचिव इन्हें शैक्षणिक परिधान हेतु ग्रीन रूम तक ले जाएंगे। इसके बाद उपयुक्त विशिष्ट जन 11:35 पूर्वाहन पे शोभा यात्रा में शामिल होंगे और यह शोभा यात्रा समारोह स्थल की ओर प्रस्थान करेगा और इस तरह दीक्षांत समारोह का शुभारंभ शैक्षणिक शोभा यात्रा के साथ होगा।
36वें दीक्षांत समारोह शिक्षण सत्र 2022-23 के इस पावन वेला में राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी हमारे मुख्य अतिथि आज पधार चुके हैं। माननीय कुलाधिपति झारखंड के आगमन पर कुलपति कुल सचिव उनका स्वागत करते हुए उन्हें ग्रीन रूम की तरफ ले गए हैं। उन्हें शैक्षणिक परिधान हेतु इसके बाद सारे विशिष्ट जन 11:35 पूर्वाहन शोभा यात्रा में शामिल होंगे और आज इस सुंदर वेला में शोभा यात्रा समारोह स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे और इस तरह दीक्षांत समारोह का शुभारंभ शैक्षणिक शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा। बेसब्री से इंतजार न सिर्फ छात्र छात्राओं के द्वारा, उनके अभिभावक, उनके माता पिता, गुरुजन, पूरी रांची विश्वविद्यालय परिवार इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आज ये क्षण आ गया है। शैक्षणिक शोभा यात्रा की तैयारी कुल सचिव आगे की ओर, महामहिम कुलाधिपति कुलपति, शैक्षणिक शोभा यात्रा शुरू हो रही है। चरावेति चरावेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, हमारी प्रेरणा भास्कर है जिसका रथ सतत चलता, युगों से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा, गति मेरा धर्म है जो भ्रमण करना भ्रमण करना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, कीप वॉकिंग कीप गोइंग टू अटेन अ हायर सेल्फ, कीप मूविंग फॉरवर्ड कंटिन्यू दिस जर्नी टू सर्व योर कंट्री द यूनिवर्स, मार्च अलोंग, आर इंस्पिरेशन इज आवर सन हुज चैरियट मूव स्टेडली फास्टली ड्यूटी बाउंड थ्रू द एजेस, येट इट हैज एन इंटेंस एनर्जी, मूवमेंट इज माई धर्मा, थीम ऑफ आर लोगो ऑफ रांची यूनिवर्सिटी, तेजस्वी नवाधित मस्तु, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हमारा विश्वविद्यालय का पठन पाठन एवं अध्ययन अध्यापन सदा आगे बढ़ता रहे एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। पूरे रांची विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से, माननीय कुलपति की ओर से, मैं आज इस 36वें दीक्षांत समारोह के मंडप से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति झारखंड का श्री सीपी राधाकृष्णन जी का। जोहार, आपका स्वागत है इस शुभ मंच पर सर। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अधिसद अभिसद विद्वत परिषद के सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण निर्दिष्ट स्थानों पर बैठने की कृपा करें। मंच पर सम्मानित अतिथि कुलपति प्रतिकुलपति कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक एवं संकाय अध्यक्ष मंच पर व्यवस्था अनुसार अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं और शांति बनाए रखें। हेलो, कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अब रांची विश्वविद्यालय के कुल गीत के लिए कृपया पुनः अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय 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 रांची गुरुकुल।
कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। I request Honorable Governor cum Chancellor to give permission to start convocation ceremony. Yes. Most humbly, I request Honorable Chancellor and dignitaries to light the lamp and inaugurate the occasion. हेलो हेलो शुभम करो कल्याण आरोग्यं धन संपदा शत्रु मैं माननीय कुलपति महोदय से सादर आग्रह करता हूँ कि वे कृपया अपना आग्रह करता हूँ कृपया माननीय महामहिम कुलाधिपति महोदय को स्मृति चिन्ह और शॉल से सम्मानित करें। A small token of respect, love from Ranchi University family to our Honorable Governor cum Chancellor of Universities. Kind request to Honorable Chancellor to release the souvenir for this 36th convocation. मैं माननीय कुलपति महोदय से सादर आग्रह करता हूं कि वे कृपया अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें।
रांची विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के माननीय राज्यपाल व राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति श्री सीपी राधा कृष्णन जी, माननीय विभिन्न राज्य के विश्वविद्यालय से आए हुए कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति, अधिषद एवं अभिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विद्वत्जन, केंद्र तथा राज्य के वरीय अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, पदाधिकारीगण, प्राचार्य एवं शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारी, अभिभावकगण, उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थीगण, प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को रांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत मंडप एक नया ऐतिहासिक पल का साक्षी होने जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सामाजिक सेवा के लिए देश को सुपुर्द करने में काफ़ी अभिभूत हूँ। शिक्षा के बाद दीक्षा दी जा रही है। भारतीय परंपरा में शिक्षा के बाद दीक्षा, जो हमारे गुरु की परंपरा है, आज उसी का दिन है। आज हमारे 29,789 विद्यार्थी दीक्षित होने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वर्ष के ज्ञानार्जन की प्रक्रिया पूरी कर इन विद्यार्थियों के अंदर इतनी परिपक्वता आ गई है कि वे देश, धर्म, समाज, धर्म, व्यक्ति धर्म को समझते हुए अपने राष्ट्र को शिखर तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। आज का भारत युवाओं का भारत है, जो असीम शक्तियों से भरा है। इन्हीं शक्तियों को संगठित कर सार्थक उपयोग देश के नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। 1960 में स्थापित यह विश्वविद्यालय, जो स्नातकोत्तर के 10 विभागों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी, आज इसके अंतर्गत 30 विभाग में सफलतापूर्वक पठन पाठन का कार्य चल रहा है। इसके साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर स्तर के 16 विभाग एवं स्नातक स्तर के 11 विभाग चल रहे हैं। हमारे सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम काफ़ी रोजगार परक हैं। एक देश के अग्रणी विश्वविद्यालय का शुमार है। पूरा विश्वविद्यालय परिवार इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के साथ स्थापित करने में हमेशा प्रयत्नशील रहता है। क्रीड़ा के क्षेत्र में हमने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फुटबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, हॉकी, वुशु आदि खेलों में हमने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किए हैं। हमारे विद्यार्थी मधुमिता तीरंदाजी में एशियन गेम्स में मेडल प्राप्त कर किया, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। योग के क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय निरंतर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इससे हमारे राष्ट्रीय पदक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार हमारे NSS की वॉलेंटियर फलक फातिमा को राष्ट्रीय सम्मान से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। संस्कृति महोत्सव में हमारे विद्यार्थी काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में हमारे विद्यार्थी 6 मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के बदौलत काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कई नामी ग्रामी संस्थानों के साथ MOU का काम कर रहा है। रांची विश्वविद्यालय ने मैनेजमेंट के क्षेत्र में CCL के साथ, MSTC के साथ हुए MOU, अब CCL में हमारे मैनेजमेंट के 120 बच्चे प्रतिवर्ष इंटर्नशिप कर सकेंगे। हमारे छात्रों के बीच कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कला केंद्र के साथ MOU किया गया है। इस प्रकार हम हमेशा ही अपने शैक्षणिक दायरों को बढ़ाने के लिए दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर अपने विद्यार्थियों को तराशने का काम नियमित रूप से कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की गुणवत्ता शिक्षा देने की प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस बात से प्रमाणित होता है कि हमारे विद्यार्थी विश्व के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर सिद्धार्थ प्रसाद, जो हमारे यहाँ फिजिक्स के MSc के डिग्री धारक हैं और आपके तरह ही निकले, आज गॉड पार्टिकल्स पर चल रहे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शोध प्रोजेक्ट में भारत का शीर्ष वैज्ञानिक के तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे छात्र डॉक्टर कृषि चयन, जो कि फिजिक्स में PG डिग्री अर्जित कर आज येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में वरीय वैज्ञानिक के रूप में कायम हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। खेल के क्षेत्र में सलीमा टेटे तथा निक्की प्रधान ने भारतीय महिला
हॉकी ओलंपिक टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इन उदाहरणों से मैं आपका अतुल्य उत्साह और सृजन करना हमारा उद्देश्य है, जो प्रेरणा स्वरूप आपको सदा गौरवान्वित करते रहेंगे। रांची विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में आपके अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का हमारा दायित्व एवं इस प्रतिभा को देश के सम्मान को बढ़ाने में सुनिश्चित करने तक का सफर हमारे विश्वविद्यालय परिवार का गौरवान्वित महसूस करता है। भारतवर्ष के नौजवान संघर्ष से समृद्धि तक यात्रा को किस तरह चरित्रार्थ करते हैं, इनके अनेक उदाहरण रांची विश्वविद्यालय प्रस्तुत कर चुका है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि डॉक्टर सिद्धार्थ और सलीमा टेटे दोनों ही अति सामान्य परिवार से आने वाले सुदूर सिमडेगा जिले के निवासी रहे हैं। किसी भी देश के अंदर स्थापित शासन व्यवस्था की सार्थकता इस बात से प्रमाणित होती है कि यह एक अति साधारण व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के बदौलत अति विशिष्ट व्यक्ति बनाने के मार्ग प्रदर्शित कर सके। इस दृष्टिकोण से रांची विश्वविद्यालय एक संस्था के रूप में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन करेगा। मैं आप सभी को ऐसा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सभी उपाधि धारक को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में या संस्था में अपना योगदान दें उसमें कर्तव्य निष्ठा, समर्पण तथा ईमानदारी से कार्य करें, ताकि उस संस्था या क्षेत्र में आपकी पहचान बनाकर रांची विश्वविद्यालय को गौरवान्वित होने का अवसर मिल सके। किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान उसके विद्यार्थियों की गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। आज वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहे हमारे लाखों विद्यार्थियों की बदौलत रांची विश्वविद्यालय एक मजबूत एलुमनाई एसोसिएशन है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा तथा विश्वसनीयता में चार चांद लगाएंगे। मानव जीवन का विकास में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। जंगलों में नग्न अवस्था में घूमने वाला मनुष्य आज छोटे से प्रयोगशाला में बैठकर अंतरिक्ष के उपग्रहों को की गति को नियंत्रित कर रहा है। विकास की इस यात्रा को तय करने में हमें लगभग 5000 वर्ष लगे। पृथ्वी की आयु तथा मानव जीवन के इस उत्थान के नजरिए से देखें तो 5000 वर्ष की अवधि बहुत अधिक नहीं है, जबकि विकास की गति काफ़ी तेज मानी जाएगी। आज हम अपने मानसिक क्षमता की वजह से जीवन की चुनौतियों का सामना काफ़ी आसानी से कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आई है। इस बहुमूल्य उपाधि को हासिल करने में उच्च शिक्षा की भूमिका सर्वोपरि रही है, क्योंकि इन उपलब्धियों को गुणवत्तापूर्ण शोध में से हासिल कर सकना संभव हो सका है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब यह जिम्मेवारी आपके कंधों पर है कि आप अपने ज्ञान तथा विवेक से मानव जीवन के उत्कृष्ट की अभिलाषा को पूरा करने में अपना योगदान दें, ताकि विकास की गति थमने ना पाए। यहाँ एक बात गौरतलब है कि विकास की धारा कहीं ना कहीं भौतिक विकास पर केंद्रित प्रतीत होती है, यानी हमें भौतिक संसाधनों को विकसित करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारी मानवीय जो झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए परिचय है तथा जनजातियों एवं क्षेत्रीय भाषाओं में एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान पद्धति इंडियन नॉलेज सिस्टम को शैक्षणिक व्यवस्था में बहुतायत से स्थापित करने की बात कही गई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह बात निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान से अभी तक हमारे विद्यार्थी अवगत नहीं हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान की समृद्धि का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हम भारत में वेदों की रचना हो चुकी थी, तब दूसरे सभ्यताओं के लोग लेखन की विधि विकसित कर रहे थे। हमारे प्राचीन शास्त्रों में अंतर्निहित ज्ञान का लोहा पूरा विश्व मानता है, परंतु इसे हमारे शैक्षणिक संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व का स्थान नहीं प्राप्त हो चुका है। हमारे पूर्वज मानसिक रूप से इतने प्रखर थे कि हजारों वर्ष पहले ऐसे मंत्रों की रचना कर डाले जो शरीर पर तरह तरह के प्रभाव डालने में सक्षम है। वेद की भाषाई उत्कृष्टता के अद्भुत उदाहरण हैं। विज्ञान, साहित्य, ज्योति, दर्शन, व्याकरण जैसे विधाओं के हम रचनाकार रहे हैं। झारखंड के विकास के लिए रांची विश्वविद्यालय ने झारखंड के छात्रों के लिए ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज 9 भाषाओं में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी
का पढ़ाई कर रहा है, जो झारखंड के विकास के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है। झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए परिचय तथा जनजातियों एवं क्षेत्रीय भाषाओं एवं उनकी सभ्यता का डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, उनकी संस्कृति कल्चर को लैंग्वेज का संरक्षण कर रहा है। इस दिशा में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI जो झारखंड सरकार की एक संस्था है, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज रांची विश्वविद्यालय, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट रांची विश्वविद्यालय के साथ लेकर बहुत सारे कार्यों को आदिवासी से जुड़े सभ्यता के अध्ययन आने वाले समय में झारखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अनुसंधान के क्षेत्र में रांची विश्वविद्यालय का अध्ययन एवं शोध कार्य अग्रणीय है। इसे मल्टीडिसिप्लिनरी मल्टी इंस्टीट्यूशनल एवं इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के साथ कार्य करने के लिए रांची विश्वविद्यालय काफ़ी आगे बढ़ चुका है। पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे MOU थे। इस मामले में रांची विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में आने वाले समय में IIT दिल्ली, NCL पुणे, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, BIT मेसरा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, CDFD हैदराबाद के साथ मिलकर कार्य करने के लिए अग्रसर है और बहुत कम समय में इन लोगों के साथ हमारा MOU होने जा रहा है। आज विश्व दो सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, एक ग्लोबल वार्मिंग, इस दिशा में भी रांची विश्वविद्यालय का शोध कार्य शुरू हो चुका है। दूसरा साइबर सिक्योरिटी। रांची विश्वविद्यालय में साइबर पीस और IETC द्वारा संचालित रांची विश्वविद्यालय साइबर पीस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू हुए अभी बस 11 महीने हुए हैं, लेकिन इस साल जनवरी 1 से 30/4/2023 तक में जब हम सिमुलेटेड डाटा को सेंटर नेटवर्क पर एवं साइबर अटैक को देखे और रिपोर्ट तैयार किए तो पता चला कि अब तक हमारे देश में कुल 10,57,103 अटैक हो चुके हैं साइबर के पिछले 4 महीनों में। इन अटैक को मॉनिटर करने और एनालाइज करने पर पता चला कि अलग अलग 22,456 अंतर्राष्ट्रीय IP से ये हुए हैं। इन अटैक्स में कुल 187 वायरस का इस्तेमाल किया गया है। इस बात को ध्यान रखते हुए रांची विश्वविद्यालय IETC और साइबर पीस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया कि 1 जुलाई से विश्वविद्यालय में इंटरडिसिप्लिनरी PG डिप्लोमा साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया जाएगा ताकि राज्य के बच्चों को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी की संभावनाएं मिले। आगे चलकर हमारी कोशिश होगी कि इन बच्चों को न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि यह बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन करें। झारखंड को जो आज तक जामतारा के कारण साइबर क्राइम का हब माना जा रहा है, पर हमारी आशा है कि हमारे इस कदम के बाद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सिक्योरिटी का हब माना जाएगा। हम यह भी आशा करते हैं कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जो लगभग अभी 31 लाख वर्कफोर्स की कमी है पूरे विश्व में, इसे भी हम इस पहल के द्वारा दूर कर पाएंगे। अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कर्नल और उनके जो सिक्योरिटी के भारत सरकार के इंचार्ज हैं कल ही आए हुए थे और उन लोगों के साथ जब हमारे साइबर थ्रेट का सामना करना पड़ा, हमारे विश्वविद्यालय में लगा हुआ है वो सिस्टम, कोई भी आदमी आकर देख सकता है कि किस तरह विश्व के डिफरेंट कोने से हमारे देश के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरह अटैक हो रहा है। आप कोई भी आकर देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। रांची विश्वविद्यालय अब सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल में भी काम शुरू करने जा रहा है और बहुत सारे हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हैं जिसमें कि हमारे गर्मी की छुट्टी में इंजीनियरिंग के बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए और उन स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो 6 वीक्स का होता है उसमें 2 वीक्स रांची विश्वविद्यालय सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी पर दिया करेगा। इस तरह से हम साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी की ओर अपने बच्चों को जागृत कर रहे हैं। अंततः उच्च शिक्षा आधुनिक जीवन के प्रत्येक विधाओं को में शोषित जनित ज्ञान के माध्यम से हमारा जीवन शैली को समृद्ध करने का उद्देश्य को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते हैं। यह मनुष्य का व्यक्तित्व
में उन तमाम सद्गुणों का वाहक है जो उसे देवतुल्य आदर्श व्यक्तित्व के रूप में मानव समाज में स्थापित करता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी इन आदर्श स्थिति के को मानक स्वरूप अपने जीवन में संजोग कर अपने जीवन के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आप समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, श्रेष्ठ ज्ञानी तथा पूज्य प्राणियों के गुण का आत्मसात करेंगे। मैं इस संदर्भ में राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां उद्धृत करता हूँ। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही सबसे पूज्य प्राणी है। मैं आप सभी विद्यार्थियों को जीवन में अपार सफलता की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका भविष्य उज्जवल रहे ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। Now I request our Honorable Chancellor and Governor to bless us with his convocation address. I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most merciful and the most powerful. Johar, Dr. Ajit Kumar Singha, Vice Chancellor, Ranchi University, Vice Chancellors of different universities, Senate, Syndicate, academic members and other officials of university, and my dear graduate students and their parents, friends from press and media, brothers and sisters, sabko johar. It is my great pleasure to be here with you on the occasion of the convocation ceremony of Ranchi University. At first, my heartiest congratulations to all the degree recipients. I extend my greetings to the praiseworthy teachers who have worked sincerely in shaping the young minds. I also congratulate the parents for the hardship they have taken in getting their children educated. My dear students, I know nobody's journey is so simple, and it is always a difficult task. As a student, you might have faced a lot of difficulties in completing your degree, and today, with all your good efforts, you have come out with a colorful success today, and you are going to get your degrees. You have acquired the knowledge and developed skills that will serve as the foundation for the future success of you. As you move forward, I encourage you to continue learning and growing. This education will never end with the college campus, university campus. It is a continuous process. The world is changing, the science is changing, the inventions are becoming new and new every day. You have to equip yourself with the modern changes coming in the years. For that, you have to keep yourself reading and learning. Our former president and the missile man, Bharat Ratna, Dr. APJ Kalam, who was also a great teacher and inspired millions of young minds, said that don't take rest after your first victory, because if you fail in the second, more lips are waiting to say that your first victory was just a luck. Don't do that. You have to try continuously
till your final goal is achieved. That is where the real success is. One of my favorite quotes is by Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. You need it to change yourself. When you can get the confidence of changing yourself, then you can change the world. In today's world, we are living in a knowledge-based society where the ability to acquire, apply, and knowledge has come the most critical factor for success. Without knowledge, make a big success nowadays is the most difficult task. It enables us to learn, grow, and contribute to the society, and it is a vital tool for personal and professional success. Everybody's success will not come on a single day. If you want to become a very healthy sportsman, one single day exercise, one single day training, one single day, your hard work will not give you the required result. It needs continuous. Then only you become a gold medalist, then only you become a silver medalist, then you will become a medalist. That is where the continuous efforts will give you the right result. Maybe little delay. It depends upon the individual to individual. We should not worry about the result, but we must continue our efforts. It is the responsibility of a university to groom the young generation of a nation as a quality citizens. A nation with the potential to lead the world. How many of us thought 10 years back, 15 years back, that India can lead the world? Today, the whole world is looking at one single leader, that is Narendra Modi ji, the Prime Minister of our mother Bharat. How he got this ability? It is not one day, single day effort. He was continuously doing the hard work with the devotion, without worrying about the success or defeat. Today he became the world leader today. Putin is listening to him. American president is looking at him. Everybody you take, they are looking at him. There were days that the Indian Prime Minister has to wait for months to get an appointment with an American president. Today, the American president is looking for an appointment with the Indian Prime Minister. That change we have brought in. That change we have brought in. So when 10 years, 15 years back, that we are going to be one of the most powerful nation economically, everybody will be laughing at you. Today, India is the fifth largest economy in the world. We have pushed our ruler, once upon a time, the British has been pushed to the sixth position. That is the great achievement of our country. We all are proud of it. So why I am telling all this thing is, that any task look like Himalayan task. But continuous devotion and hard work with an involvement, the success is ours. Never think that success will not come. Some people will give it up in the middle. They thought, no, success will not come. I am an unlucky man. No. You are the most luckiest person. That's why you got the degree today. With that positive note, you must always move forward in your whole life. The whole world acknowledges our intellectual superiority and the rightful claim as Vishwaguru, the teacher to the world or universe. Our nation is the Vishwaguru today.
The entire world is looking towards India as a nation with a tremendous potential to enrich the lifestyle of mankind. Money alone cannot bring you the happiness. Money alone cannot bring you the peace in the mind. You know, the Apple phone owner has been interviewed. You are the most successful man. Are you happy with your life? His simple answer was, everybody is saying I am the most successful human being, but I feel I should have lived a little better. I have never lived. I was running and running and running all the time. I was running. My end is going to come. So you have the taste of enjoying every day. You must have always a peace of mind. That's why your concentration will get more concentrated. That is the easiest way to become a successful person. Ranji University has a rich and glorious history. It has produced many scholars in the past. I hope that the university will always be imparting quality education to its students. The students who are passing out today will always take inspiration from our rich intellectual tradition with the great initiative of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. National Education Policy 2020 has been introduced in our country, where much emphasis has been laid on the revival of Indian knowledge system. I am sure that the new education policy will help for the revival of ancient knowledge so as to reshape the destiny of the modern India. My dear students, I am very glad to say that many Indians are holding the top positions in different institutions in the world. How that is possible? Whereas we have not seen many Japanese leading the world institutions, whereas Indians are leading. How that is possible? Three-language formula is a must. Our regional language, so that we never forget our roots, we never forget our parents, we never forget our tradition, we never forget our heritage, we never forget our culture. Hindi is a must, just to be on the national side, because Hindi is the only language spoken by the most poor of this nation. If one cannot understand the feelings of the poor man of this land, he cannot understand the country. That's why you need Hindi. Then you need English. Why you need English? To get in touch with the global. That is the reason why many Japanese are not leading the international companies, whereas we are leading the most international companies today. Whether it is Pepsi, whether it is Google, you take any big companies of today, we are leading because our people's knowledge on English. The communicating skill in English language. So never be against any language. You try to learn as many languages as you can. That is the successful story of many. My dear young friends, you all should be proud of the rich culture of our country. India is known all over the world for the multicultural environment, and this makes our identity unique. Jharkhand state too has the internationally recognized distinct cultures. Wherever you live, don't forget your civilization and culture. That is very important. That most of our people are interested in safeguarding and practicing it, even if they live in America, even if they live in Europe, whether they live in Africa also. Our traditions are being well preserved by our own people. That is the success story of Indian society today. You all have joined the Ranji University to excel academically, to grow personally, and to enhance your social skills.
I firmly believe that the university provided you with all you are looking for, your grooming and progress. This is the time you have to reflect from your actions what your institution inculcated in terms of academic and ethical values. Hope you make yourself proud through the services you render to the society. Remember, the world needs vibrant graduates like you who are ready to make a recognizable difference in different walks of life with the wonderful service to the global society. I personally tell only one thing before concluding my speech. Never give it up. If you want to take a break, you please take a break for a while. But continue your journey, continue your efforts with wholehearted confidence in you, and your hard work and devotion will get you every success. I wish you all a big success with every health and wealth in the future. But you don't forget your parents who have given all their life to get you educated, to come up in your life. You never forget your parents. Be affectionate on them all the time. I don't want to see any old age homes in our country. That is not our culture. We should not represent that Western culture. We should represent our own culture, that whatever may be the reasons, whatever may be the difficulties, whatever may be the obstacles, we will take care of our parents. With those words, I finally say only one thing. I always say that when there is a will, there is a way. When there is a will in you, all the doors will be opened for you to run and walk and then run to achieve your goals. I wish you all every success. Thank you. Dhanyabad. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jharkhand. Thank you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल स्पीच सर. मैं संघाध्यक्षों से निवेदन करता हूँ वे कृपया 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2023 के बीच की संपन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत करने की कृपा करें. संघाध्यक्ष समाज विज्ञान संकाय. समाज विज्ञान संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष समाज विज्ञान संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को उपाधि धारण हेतु प्रस्तुत कर रही हूँ. कृपया इन्हें उपाधि धारण करने की अनुमति दी जाए. समाज विज्ञान के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें. संघाध्यक्ष मानविकी संकाय. मानविकी संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष मानविकी संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूं. कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए. मानविकी संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें. संघाध्यक्ष विज्ञान संकाय. विज्ञान संकाय एवं अभियांत्रिकी संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष
विज्ञान संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इन्हें उपाधि धारण करने की अनुमति दी जाए। विज्ञान संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें। संघाध्यक्ष वाणिज्य संकाय, वाणिज्य संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष वाणिज्य संकाय के मुद्रित नामांकन नाम वाली उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया उन्हें उपाधि धारण करने की अनुमति दी जाए। सभी वाणिज्य संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें। संघाध्यक्ष जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें। संघाध्यक्ष चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष चिकित्सा विज्ञान संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया उन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। चिकित्सा विज्ञान संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें। संघाध्यक्ष विधि संकाय, विधि संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष विधि संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इन्हें उपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करें। विधि संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें। संघाध्यक्ष शिक्षा संकाय, शिक्षा संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष शिक्षा संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। शिक्षा संकाय के सभी उपाधि प्रापक अपना स्थान ग्रहण करें। वही तो ऑनरेबल गवर्नर कम चांसलर ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इट इज Academic Council who is giving the approval for the degree in different faculties like social science, science, commerce, regional languages, humanities, medical science, law,
एंड एजुकेशन. नाउ फ्रॉम एकेडमिक काउंसिल आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल गवर्नर कम चांसलर I request our Honorable Governor cum Chancellor to kindly give approval of the activities of the Academic Council. I approve. Thank you, sir. मैं अब माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूँ कि जिन अभ्यर्थियों ने 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2023 की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है किंतु इस दीक्षांत समारोह में अनुपस्थित हैं, कृपया उन्हें भी उपाधि धारण और पदक धारण करने की अनुमति दी जाए. रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के गरिमा में स्वनिहित अधिकार से आज दिनांक 2 मई 2023 को संघाध्यक्ष एवं कुल सचिव द्वारा प्रस्तुत उपाधि प्रापकों को स्व अर्जित उपाधि एवं पदक धारण करने की अनुमति प्रदान करता हूँ तथा उपदेश देता हूँ कि जीवन और आचार में अपने को इस योग्य साबित करें. नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर कम चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड टू डिस्ट्रीब्यूट द गोल्ड मेडल. मैं स्वर्ण पदक धारकों को एक एक कर नाम पुकारता हूँ, वे यहाँ आकर अपना पदक प्राप्त करें. ओवरऑल बेस्ट मास्टर डिग्री होल्डर जनरल कोर्सेस एंड टॉपर्स इन संस्कृत जयश्री महातो. ओवरऑल बेस्ट मास्टर डिग्री होल्डर जनरल कोर्सेस एंड टॉपर्स इन संस्कृत जयश्री महातो. ओवरऑल बेस्ट मास्टर डिग्री होल्डर प्रोफेशनल कोर्सेज स्टूडेंट टॉपर. एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, सी गॉट टू गोल्ड मेडल्स एट अ स्ट्रेच. सी द टॉपर इज टू गोल्ड मेडल्स ही गॉट बट द क्लैपिंग साउंड टू एनकरेज हर इज कंपैरेटिवली लो. आई गिव अ बिग हैंड टू हर. ओवरऑल बेस्ट मास्टर डिग्री होल्डर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड टॉपर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रतीक कुमार सिंह. प्रतीक कुमार सिंह. ओवरऑल बेस्ट मास्टर डिग्री होल्डर मेडिसिन एंड सर्जरी एंड टॉपर इन MD MS कुमार निशांत. टॉपर इन एंथ्रोपोलॉजी एंड डॉक्टर LP विद्यार्थी मेमोरियल गोल्ड मेडल इन एंथ्रोपोलॉजी संध्या कुजूर. टॉपर इन इकोनॉमिक्स गगनदीप कौर.
टॉपर इन ज्योग्राफी एंड डॉक्टर अयोध्या प्रसाद गोल्ड मेडल इन ज्योग्राफी सरवारी परवीन, सरवारी परवीन। टॉपर इन हिस्ट्री एंड गोइंडा मीन्स मेमोरियल गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री एसटी सुकुवंती लुगुन। टॉपर इन होम साइंस एंड प्रोफेसर एल सीसीएन सहदेव गोल्ड मेडल इन सोशल साइंसेस डोली कुमारी, डोली कुमारी। टॉपर इन पॉलिटिकल साइंस एंड डॉक्टर एल के कुंदन मेमोरियल गोल्ड मेडल इन पॉलिटिकल साइंस रोस्ती लकड़ा, रोस्ती लकड़ा। टॉपर इन साइकोलॉजी एंड डॉक्टर अमर कुमार सिंह गोल्ड मेडल इन साइकोलॉजी महिमा झा, महिमा झा। टॉपर इन सोशियोलॉजी अनुपमा जोजो। टॉपर इन बंगाली सानू सतपति। टॉपर इन इंग्लिश अंकिता प्रियदर्शनी। टॉपर इन हिंदी पुरुषोत्तम कुमार पिंटू, पुरुषोत्तम कुमार पिंटू। टॉपर इन फिलोसॉफी अंकिता कुमारी, अंकिता कुमारी। टॉपर इन खरिया वंदना सोरेन, वंदना सोरेन। टॉपर इन खोटा सुजीत कुमार, सुजीत कुमार। टॉपर इन कुरमाली दिलखुश महतो। टॉपर इन कुरुक अनिल उरांव, अनिल उरांव। टॉपर इन मुंडारी जवार तिरु।
टॉपर इन नागपुरी अजयपुर. टॉपर इन पांच परगना सहदेव महतो. टॉपर इन संथाली विकास पत्रा. टॉपर इन हो संध्या सिंकू. टॉपर इन उर्दू सदाब कैनात. Dear student, one minute. Dear student graduates, God is not creating everyone as we are. Our Sadaf Kainat of Doranta College, Ranchi, passed with the gold medal. In spite of the God has not given her the power to see. So we all must realize we have been created with a better position, so we must not worry about our struggles. टॉपर इन कॉमर्स अजयश्री कुमारी. टॉपर इन बॉटनी आदिति श्यामंती. टॉपर इन मैथमेटिक्स कायंती प्रिया. टॉपर इन केमिस्ट्री कावेरी साहू. दो केमिस्ट्री हो गई है टॉपर. टॉपर इन केमिस्ट्री ऋषिका कुमारी. टॉपर इन जियोलॉजी एंड लेट प्रोफेसर रघुजी वर्मा मेमोरियल गोल्ड मेडल इन जियोलॉजी आदर्श राज सिंह. टॉपर इन फिजिक्स एंड डॉक्टर एस एम प्रसाद गोल्ड मेडल इन फिजिक्स रोशी शर्मा. टॉपर इन जूलॉजी माधुरी कुमारी.
टॉपर इन इन्वायरमेंटल साइंस गौरव कुमार सिंह, टॉपर इन लॉ तेजस्वी, टॉपर इन बायोटेक्नोलॉजी सृष्टि मुंडा, टॉपर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मून बरात, टॉपर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अश्विनी कुमार मिश्रा, टॉपर इन स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी वैजयंती रानी, टॉपर इन रूरल मैनेजमेंट आयुषी कुमारी सोनी, टॉपर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्यन किस्कू, टॉपर इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन उमेश कुमार सिंह, टॉपर इन फाइन आर्ट पायल कुमारी, टॉपर इन डांस सोईबी मुखर्जी, टॉपर इन म्यूजिक देवप्रिया ठाकुर, टॉपर इन थिएटर आर्ट अरुण नायक, टॉपर इन नर्सिंग पूजा कुमारी, टॉपर इन नर्सिंग रजनी ज्ञानलता बिलुंग, टॉपर इन फैशन डिजाइन एंड मैनेजमेंट निधि मुंडा, टॉपर इन रूरल मैनेजमेंट एमडी नेहाल वारसी, टॉपर इन योगिक साइंस मीना कुमारी, टॉपर इन एजुकेशन जिनेश स्वाति टॉपनो, टॉपर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किरण कुमार साहू, टॉपर इन ज्योतिर्विज्ञान जोगेंद्र सिंह,
ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट जनरल कोर्सेस एंड बेस्ट ग्रेजुएट इन साइंस सोनी कुमारी मैथमेटिक्स। ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेस सोनी कुमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन। बेस्ट ग्रेजुएट इन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज शिवांगी आर्या। बेस्ट ग्रेजुएट इन आर्ट्स सोशल साइंसेस निशा कुमारी। बेस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड प्रेम कुमार पोद्दार मेमोरियल गोल्ड मेडल इन कॉमर्स रूपा कुमारी। बेस्ट ग्रेजुएट इन एमबीबीएस सावित्री देवी मेमोरियल गोल्ड मेडल इन एमबीबीएस एंड डॉक्टर वर्मेश्वर प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल इन मेडिसिन एमबीबीएस अभिप्रीत भट्टाचार्य। बेस्ट ग्रेजुएट इन लॉ एंड देवी प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल इन एलएलबी दिव्या जायसवाल। बेस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन अंजलि कुमारी। बेस्ट ग्रेजुएट इन डेंटल सर्जरी सहीमा खनाम। बेस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग रीता महतो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह गोल्ड मेडल इन जनरल मेडिसिन उत्कर्ष। बेस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन अंजलि कुमारी। Now I request Honorable Governor cum Chancellor to give degree to D.Litt and D.Sc. degree holder, Doctor of Science and Doctor of Literature students.
डॉक्टर संजय प्रमाणिक बंगाली, डॉक्टर संजय प्रमाणिक बंगाली डिलीट। हाँ वो तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली। नेक्स्ट इज डॉक्टर परमेश आचार्य बंगाली। हाँ बाकी बोलती जाइए, लाइन अप कर लेगी, करेगी तुम। डॉक्टर परमेश आचार्य फर्स्ट वन इज डॉक्टर संजय प्रमाणिक बंगाली। सेकेंड डॉक्टर परमेश आचार्य। देन डॉक्टर रेणु कुमारी होम साइंस, डॉक्टर रेणु कुमारी होम साइंस। देन विनय कुमार वैद्य फिलॉसफी, विनय कुमार वैद्य फिलॉसफी। सोनी कुमारी फिलॉसफी। विनय कुमार वैद्य फिलॉसफी। देन सोनी कुमारी फिलॉसफी। मैं प्रति कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। जोहार, ए वार्म एंड ग्रेसफुल आफ्टरनून टू आवर मोस्ट वैल्यूड ऑनरेबल चीफ गेस्ट पद्मश्री श्री मधु मंसूरी जी, वाइस चांसलर ऑफ झारखंड, all are our esteemed guests and dignitaries, teacher and staffs, parents, committee members and my dear friends, students and degree holders, press media and everyone gathered here. I deem it to be a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of the 36th convocation ceremony of Ranchi University. Thanks to Almighty, I, Arun Kumar Sinha, Pro Vice Chancellor, on behalf of the Ranchi University and the entire fraternity of the Institute, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for blessing us and making today's events a resounding success. With the blessing and grace of God, we are able to make this event successful. I would like to take this opportunity to express my gratitude to our Honorable Governor cum Chancellor of University of Jharkhand, Sri C.P. Radhakrishnan ji, for his gracious presence, inspiring message, and word of blessing for all of us. And my heartiest congratulations to the degree recipients of today's events, who will begin a new journey for their future lives to contribute to the welfare of mankind, society, and the nation from this day forward. All my dear students, always be grateful for what you have and where you are in your journey, and never forget that gratitude is the key to manifest abundance.
Our special thanks to Padma Shri Madhu Mansuri ji for his gracing presence and blessing. I express my thanks to our Vice Chancellor Dr. Ajit Kumar Sinha for his unwavering support, guidance, relentless efforts to make this event a memorable and successful one. On behalf of the university, I extend thanks to Dr. Ajit Kumar for sharing for success, achievement, and accomplishment of Ranchi University to our audience. A sincere thanks to our respected former Chancellor, Professor K.K. Nag, Professor Firoz Ahmed of NPP, and former faculty of Ranchi University for all your guidance and motivation for standing as pillar of strength and knowledge that has always stimulated us at the university to do our best. I express my profound and most sincere gratitude to all Vice Chancellor of Jharkhand, Professor Gangadhar Panda, M.N. Dev of BU, Professor Minj, Professor Naidu, Professor Sukhdev Bhoi, Professor T.N. Sahu, Tapan Kumar Sandilya, and Professor Gopal Pathak, and for your honoring our invitation and your presence. Thank you, sir, for accepting our kind invitation, and despite your busy schedule, your spare time to grace this occasion personally. I want to extend my sincere thanks to CCDC P.K. Jha, Finance Advisor DSW, Registrar Dr. M.C. Mehta, FO Dr. Dev, Deputy Registrar Pritham Kumar, Sri Lakraji, PRO Dr. Smriti Singh, and Ashok Singh for their continuously efforts and stretching hours on working, arranging everything order for making the Chan Samaroh a great success. A special thanks to the controller of the examination, Dr. A.K. Jha, Director EDPC, G.N. Singh, and his team for their tireless efforts and its successful coordination by the examination department. Sincere thanks to the deans of the various faculty, head of the department, principal, principal in charge, member of the syndicate, senate, academic council, and honorable faculty member, the supporting staff, the media person, journalist, and all the individual who contributed to the success of this historic event. I sincere thanks to OSDJ, Sri Mukesh Narayan Chanji, and ADC and Pillaiji, and from administration for all support. Being a part of the huge and prestigious Ranchi University faculty as a PVC and CSIR by profession, I would like to extend my word to express the Mool Mantra for meaningful word Ranchi that has six letters, R-A-N-C-H-I, Ranchi. First letter A represent, the first letter R represent research and innovation, A letter represent academic excellence, N represent NAP 2020, and C for character building. It should be our prime goal of the education, and we must make an effort to adhere this philosophy and instill more principle and humanitarian outlook in the students. Two last letter, HI means high impact. Whatever you do, that effect should be very high. So either in the publication, either in the journal, and as alumni, we have to excel and create an impact bigger and bigger than ever, and make Ranchi University globally hub in education, research and innovation, and many other fields. With this word again, I would like to express my sincere thanks to all who have put their efforts and blessing to make this convocation ceremony a memorable and historic event. So thank you to all. Jai Hind,
झारखंड. थैंक यू. आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चांसलर टू अथोराइज द वाइस चांसलर टू अवार्ड डिग्री टू द रिसिपियंट्स एंड सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर द क्लोजर ऑफ कॉन्वोकेशन सेरेमनी. I authorize the Vice Chancellor to execute the rest of program. So, राष्ट्रधुन के लिए कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बने रहेंगे. शेष उपाधि प्रापकों. ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, द टाइम हैज कम फॉर मी डिपार्ट एंड फॉर यू टू कंटिन्यू एंड एंजॉय. आई विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी लाइफ. आई विश यू एंड प्रे टू द गॉड दैट यू ऑल मस्ट बी सक्सेसफुल इन योर न्यू एंडेवर्स इन द इयर्स टू कम. थैंक यू सो मच. नमस्कार. जवाहर.